हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशि कुरुंग है और आपका स्वागत है इस नए चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्रामिंग इन C++। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में बच्चे यही सोच रहे हैं कि घर पे बैठ के क्या किया जाए। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लंदन में भी ऐसी ही सिचुएशन थी, तब न्यूटन जी ने घर पे बैठ के काफ़ी पढ़ाई की थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे घर पे है वो इस समय का सही उपयोग करें, नई नई चीज़ें सीखे। तो ऐसे में मैंने ये वीडियो तैयार किया ताकि जो टॉपिक हम नहीं कर पाए इस लॉकडाउन की वजह से, जो कि एक ज़रूरी है सभी की स्वास्थ्य के लिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को आगे टॉपिक करवाना चाहता हूँ और आप इस वीडियो के माध्यम से नई नई चीज़ें सीखे और अपने घर पर बैठ के एक्सपेरिमेंट करें। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप व्हिच इज क्रिएटेड बाय द यूजर। द सिंटैक्स फॉर द स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड व्हिच इज फॉलोड बाय स्ट्रक्चर नेम एंड within the body of structure there can be many members, member 1, member 2, member 3. Like for example, struct person, here we are taking two member. The first member is name, which is an array of size 50, which is of char type, and the second member is age, which is of integer. A person can have many other attributes, but here we have taken only two attributes, that is name and age. Now, how to create a structure variable? In the void main function, the structure variable is created by first defining the name of the structure. Here the name of the structure is person, and after that the object is created, which is p, as you can see in the example. Another point is that in main function, sometime the member function of structure is access. Now, how to access the member of the structure? It is accessed by using dot operator. Like for example, in void main function, first we have created the object of the structure, that is person P. Now the message is displayed on the screen, that is enter name. The user will enter the name of the person and it will be stored in a variable name, which is accessed by using dot operator with the object of the structure. आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। दो हेडर फाइल है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच। इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि इस हेडर फाइल में आपके प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन और दूसरा कैच फंक्शन। कभी कभी इनपुट के लिए हमें सीन और डिस्प्ले के लिए सी आउट की जरूरत पड़ती है, तो वो सब हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, और उसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए। पहला वेरिएबल है रोल नंबर, जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा वेरिएबल एरे है, जो कैर टाइप का है। इस एरे का साइज 10 है। उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन बनाया हुआ है। वर्ड मेन फंक्शन में सबसे पहले क्लियर स्क्रीन यूज़ किया हुआ है, जो कि कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड है, जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है प्रीवियस आउटपुट प्रीवियस प्रोग्राम के। उसके बाद स्ट्रक्चर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एस नाम का, और उसको डिफाइन करने का ये तरीका है, स्टूडेंट एस। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर को, एंटर रोल नंबर। यूजर रोल नंबर को एंटर करेगा और वो
रोल नंबर में स्टोर होगा। स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज किया हुआ एस डॉट रोल नंबर। सिमिलरली नेम को भी हम ऐसे एक्सेस करते हैं एस डॉट नेम से। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया है वो डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ डिस्प्ले के लिए सी आउट, और उसके बाद हमने यूज़ किया हुआ एस डॉट रोल नंबर। सिमिलरली एस डॉट नेम, लास्ट में गेट फंक्शन यूज़ किया हुआ जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। अब आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम को रन करके, कंट्रोल प्लस F9। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है एंटर रोल नंबर, मैंने यहाँ एंटर किया 1। उसके बाद नेम एंटर किया, सपोज मैंने नेम एंटर किया ABC। उसके बाद आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आएगी, एंटर डिटेल्स रोल नंबर 1 नेम ABC। तो ये था स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। तो आज आपने देखा कि स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे बनता है। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। वर्ड मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के साथ। तो आज इस प्रोग्राम को आपने बनाना है और रन करना है, और आगे नए नए टॉपिक पर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। और एक बात और, आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, अपना बचाव कीजिए और कभी बचाव कीजिए। धन्यवाद।